डॉग के लिए चिकन का टेंशन होता है हर रोज लाने के लिए, मैं आपको एक सॉल्यूशन देता हूँ जो मैं करता हूँ खुद। देखिए, इसको हर रोज चिकन खाना होता है, चिकन के साथ चावल, तो मैं हर रोज तो ला नहीं सकता, थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, तो मैं क्या करता हूँ आइए आपको दिखाते हैं। जैसे कि फ्रिज है, फ्रिज के डीप में हम चिकन रख लेते हैं, जैसे पैकेट पैकेट ऐसे डीप में इसको हम, और भी बहुत सारा पैकेट क्या हुआ यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे, और हर रोज कितना क्वांटिटी आपको देना है, हर रोज जितना क्वांटिटी आपको देना है उस तरह आप ऐसे पैकेट बना लीजिए। अगर आप एक साथ सारा चिकन को रखते हैं और डाल देते हैं और हर रोज उसको तोड़ के करते हैं तो आपका चिकन गंद कर जाएगा, यानी कि उसे महक आ जाएगी और आपका डॉग नहीं खाएगा। इसीलिए ये कीजिए, आप हर जितना मैंने हर रोज जितना आप क्वांटिटी देना चाहते हैं उसको एक पैकेट में डालिए और अलग अलग पैकेट करके रख लीजिए। इसको पूरा पूरी बर्फ में जमा दीजिए, इसको फ्रीजर में डालिएगा, फ्रीज में नहीं, क्योंकि फ्रीजर में ये बर्फ हो जाएगा, बर्फ होने से महक नहीं आएगी, और नॉर्मल में डालेंगे तो ये महक आ जाएगी। चलिए अब क्या करना है, अब इसको बनाने के लिए हो सकता है आपको टाइम लगे, क्योंकि ये नॉर्मल होने में टाइम लगे, तो इसका भी उपाय दिखाता हूँ, आ जाइए मेरे साथ। तो अब आपको क्या करना है, इसमें सिंपल सा इसको मैं खोल लेता हूँ और इसमें थोड़ा सा पानी देता हूँ, ये प्लास्टिक के साथ चिपक जाता है, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी दे दिया। अब मैं थोड़ा सा पानी देके इसको नॉर्मली कर देता हूँ, अब क्योंकि बर्फ़ के साथ पानी मिक्स होते ही वो थोड़ा बर्फ़ पिघलने लगता है, और इसे मैं जिसमें बनाऊँगा जिस बर्तन में कुकर में, तो कुकर में डाल दिया। ये देखिए अभी बर्फ़ बना हुआ है, ये धीरे धीरे पिघल जाएगा और ये गर्म हो जाएगा, गर्म मतलब ये पूरा बर्फ़ जमा हुआ है वो कुछ ही देर में नॉर्मल हो जाएगा, फिर हम चिकन बना सकते हैं। इस तरह से आप एक ही दिन 7-8 किलो या फिर जैसे आपके डॉग है क्वांटिटी जैसे आप देते हैं, अगर आधा किलो करके देते हैं तो एक हफ्ता का आप लेके आ सकते हैं, 3.5-4 किलो एक साथ लेके आ जाइए और फ्रीजर में रख दीजिए। इससे क्या होगा, आपको हर रोज जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और आपका चिकन जो है वो खराब भी नहीं होगा और आपका डॉग भी खाएगा। अगर चिकन में थोड़ा सा गंद आ जाता है, महक आ जाता है, तो आपका डॉग देखिएगा वो चिकन खाने से इनकार करता है, वो खाना नहीं चाहता है, तब आपको लगता है कि अरे क्या हुआ मेरा डॉग चिकन तक क्यों नहीं खा रहा, तो कहीं तबीयत तो खराब नहीं हो गया, नहीं खराब तबीयत नहीं, उसका महक है, महक के कारण डॉग चिकन नहीं खाता है। ये आपका बेस्ट सॉल्यूशन है जो मैं करता हूँ, आज आप लोगों के साथ शेयर किया। ये है हैप्पी, जो कि अभी अपने से कुर्सी में चढ़ने सीख गई और कभी भी आके कुर्सी में बैठ जाती है और ऐसे करके बैठती है, अब धीरे धीरे बड़ी हो जा रही है तो वो हट नहीं रही है कुर्सी में, वो जो है कान टेढ़ी ये कुर्सी में नहीं हटती है और फिर ये कुर्सी से उतर गई। और ये है हमारा छोटू महाराज, जिसको अगर हम पकड़ लिए तो इसको लगता है कि सबको मारना चाहिए, प्यार का बंटवारा नहीं होना चाहिए। चलो आज छोटू सिंह ये मेरा बच्चा है, छोटा सा नन्ना सा, जिसका कान अभी सीधा है, इसका कान में उंगली करने से क्या होता है, ये कान में उंगली करने नहीं देता है, कर दो